पुत्र द्वारा पिता की हत्या करने का एक संगीन मामला है वो संज्ञान में आया था। सिर के ऊपर डंडो मार के अरविंद की हत्या करी गई है। डेड बॉडी है जो अठे ही इस जगह ही खून के अंदर लथपथ अवस्था के अंदर पड़ी ही, जो हत्या की जो मर्डर की जो वजह है वह पारिवारिक रंजिश बतावे जावा लाग रही है। रामलीला यही चलती आई है, उम्र के दी होनी चाहिए। सगड़ा दर्शका ने राम राम, मैं थारोबेली आशु, थे देख रहा हूँ जलको। हाँ, हनुमान गांव है बोमपुरा रोई अठे लारे थे देख लाग रहा हूँ वो घर है। एक घर के अंदर रात के समय के अंदर माँ और बेटा मिल गए, आपके बाप ने हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी, सिर पर वार करके और खून लथ पथ कर, मतलब बड़ी ही बेरहमी उमारियो है। क्या मतलब बताओ जी थारो? मेरा नाम उबराम है। नहीं मतलब जो डेथ हुई है पड़ोसी आगे भाई हो काका बेटा भाई? अच्छा थर काका बेटा भाई है। तो भूपराम जी बताओ के वजह रही वो चलती है? मैं तो के कर रामलीला यही चलती आई है कई साल हुई। अब आ ले रे पस उड़ गई ना तन ते तलाक ले गए कौन उठ गए आ रे इसमें पत्नी हां पत्नी तलाक उड़ गई। अब भी आई है 500 दिन है, कल 500 दिन हुआ सटो है। ठीक है आम ताई काम हो करके बजाओ। नहीं तो मारनी हो जो बेटो सागो वो छोटी हो बेटो बडूड़ो बडूड़ो बेटी हो बडूड़े बेटो मारी। नहीं तो एक आप बताओ थे मैंने तो थारा तो भाई आ काका बेटा थान तो बताए होगा भाई का आ चीज कंडीशन है आप बताए होगा थान मानने तो क्या बताओ वो मन केड़ा मार मन केड़ा मार दे हुई के वो मारना मन क्या बताओ वो। नहीं मतलब पहला कदे बताए होगा भाई ई तरीका ई कंडीशन है चाल तो ये मेरे तो लड़ाई देंगे मन था चाल तो ये पड़ोसी मानो जन हो गए कड़े स्तंगर में रहते ही रहते हो। तो रात ने कितने बजे को समय रहे होगा जी टाइम टाइम में जान 10:30-11:20 को है थे जी मतलब अठे ही रहो तो थाने शोर शराब सुने को नहीं मानने मारे तो सदी है लड़की की तो गीत गात गावे आजकल मुड़ मुड़ ही सो है भी बाद में मैं क्या मी गौर करा एक कुकली सी बाजी में करो रोज ही बाजा मैं तो थे सोचो रोज यंग क्लेश हो क्लेश गौर कौन करी में तो फिर थाने पता कद लागे भाई यार तो हत्या होगी डेथ होगी मानने दिन में ठा लागे गया जरूर उठा नहीं बाहर गया आज बने बोले वो मर ली हो गए मारे मुंह में माड़ी मोटी कदी करे करे तू पी मु कर गिर मु सदा ही सोजे मु। तो पुलिस आई क्या था? पुलिस आई दिन गए पुलिस सटी को पूछा वासी कर गई पड़ोसी आने रहने मिने कोई रे मत करे कोनी खेत टपकी। तो अब के होनी चाहिए थारा तो भाई है काका बेटा के होनी चाहिए दोषियां ने के सजा मिली? दोषियां तो भाई मतलब उम्र के दी होनी चाहिए मैं एक छोरा ने एक बाप है जकी ने और ना दना दंग रे मतलब मैं आ भी सुनो के मतलब मार के भागने लगे दूसरो छोटी छोरो वो पकड़ लियो भागन दियो हां पकड़ लियो की बात होई बात तो छोटी हो तो मारने में कोनी हो। अच्छा बे मां बेटो ही मारने मां अरे मार के भागने लगे बार आ तो बाजे ही तो बताओ छोरा पकड़ लियो के नाम बजे था सुभाष सुभाष जी थारो ठीक है कर हां वही है सर ले। अच्छा थे बताओ सुभाष जी थन तो मतलब रात ने कोई शोर शराब सुने हो ना जी मन तो नींद आई सुबह थन पतो कद लागे भैया था वो काम जितने उठे जद लागे सुबह उठे जे पतो लागे तो पुलिस किने किने करियो गिरफ्त बजनाल ने बजनाल की मम्मी पांगो अंतिम संस्कार अटक रहे हो बैठक बैठू ना ठीक रहे गम नहीं तो थे आंगा पड़ोसी हो इतना टाइम से लंबा टाइम से थाने मतलब यहाँ पहला भी घर में कदे कोई लड़ाई झगड़ा एक चीज हुई रोज ही होती है थाना अंदर चाल के दिखाऊंगा सारी की सारी कंडीशन खून वगैरह है वो मौके पर अठे ही पड़ी है सारी की सारी चीजें। अब तो फिलहाल पुलिस है जो माँ बेटा ने राउंड अप कर लियो है और जो डेड बॉडी ही भी ने बिंगो पोस्टमार्टम करवा के बिंगो अंतिम संस्कार भी करवा दिया वो गेट है आधे देख लग रहे हो इन्हें मैं दर्शक दिखाऊंगा मेरा सारा ने कैमरा मैन निवेदन करूंगा उधर देख लग रहे हो वो सारो को सारो खून ही है बी शख्स को खून है जी की माँ बेटा मिल गए रड़के साझा रड़के भी हत्या करी ही देख लग रहे होते अंदर भी फिलहाल तो तालो लगा रखे है पुलिस सारा अंदर जाके थाना दिखाओ कौन सा सारो को सारो जांच को विषय है अंदर भी मतलब खून दिख लग रहे है वो इला पास गेट देख रहे हो इन्हें वो इन्हें अठे तक सारो को सारो वो खून दिख ला रहे इन्हें इन्हें भी खून पड़े है अठे भी देख ला रहे होते और एक वो डंडो पड़े है ई डंडे से बतावा लग रहे है कि भाई ई डंडे से वार करे डंडे वार करेडो है डंडो मार के सिर के ऊपर डंडो मार के अरविंद की हत्या करी गई है और वो घर है ई घर के अंदर ही रात के समय के अंदर माँ बेटा मिल गए दोनों आदमी की हत्या कर दी जो हत्या की जो मर्डर की जो वजह है वह पारिवारिक रंजिश बतावे जावा लाग रही है। टाउन पुलिस ने गांव का ही लोग सूचना दी कि अठे भी बोमपुरा रोई के अंदर माँ बेटा मिल गए और एक बंदा की हत्या कर दी है। तो पुलिस सुबह अठे जल्दी ही झांझरगढ़ मौके पर पहुंची देखे हो तो डेड बॉडी है जो वह अठे ही इस जगह ही खून के अंदर लथपथ अवस्था के अंदर पड़ी ही बड़ी ही माड़ो हाल हो डेड बॉडी को और जगह मारनी है जब भागन लग गया मार के तो जो भी को जिकी डेथ हुई भी को बेटो हो वो बने भागन दियो को नहीं माँ बेटा उन दोनों ने और पुलिस आगे बने पकड़ लियो पकड़ के बने अंदर हवालात के अंदर है भी हत्या के आरोप में मुकदमों भी दर्ज हो चुके हैं। दूसरी बात आ कर डेड बॉडी ने टाउन पुलिस है जो मोर्चरी के अंदर रखवाए भी के बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हुए पोस्टमार्टम करवाए बाद में भी को दाह संस्कार करवा दिए गए हत्या के आरोप के अंदर मुकदमों दर्ज कर लियो है पुलिस और आगे की जो जाँच है FSL टीम बुला के और बुला के पुलिस जाँच विषय सारी की सारी जाँच पुलिस करा लाग रही है। मरणियों जी को आदमी हो बिगो नाम हो राम रतन ते रेत
रेशमी और बीको छोरो भजन लाल ए ही दोनों मिलके भी की राम रतन की हत्या कर दी गई ही। वो दरवाजो थे देख लाग रहा ए ही घर है, वो एक ही ने कमरों है और एक कमरों इला पास है और आंगी अठे रसोई है। और बड़ो ही मतलब परिवार काल तक वो परिवार मतलब हंस तो खेल तो हो, बड़ी ही परिवार के अंदर बड़ी ही मतलब चहचहट है। बाहर तिवराज थे देख ला रहे हो घर की कंडीशन है जो देख ला रहे हो, बड़ी ही वीरान अवस्था के अंदर है घर है जो पूरो को पूरो मतलब एक हत्या करने की वजह सारो को सारो घर मतलब खराब हो चुके है, घर बर्बाद हो चुके है, ताला ही लाग रहे अड़े खाली पंछी ही बोला लाग रहे, बाकी कोई भी गोनी सू सट हो रही है। सारी की सारी चीजें थाने दिखाई है। अब पुलिस से भी बात करेंगा, पुलिस भी जानेगा भाई की पर मुकदमा दर्ज होया की पर के हुए है। कल रात्रि में भोपुरा गाँव में पुत्र द्वारा पिता की हत्या करने का एक संगीन मामला है वो संज्ञान में आया था, जिस पर मौका पर पहुंचे, मौका पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर घटना के समय में काफ़ी अलामत मिले थे और आज है वो मृतक के छोटे पुत्र विनोद कुमार ने अपनी माँ व अपने बड़े भाई के विरुद्ध है वो पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। आपसी घरेलू कलह के आरोप हैं और बाकी है जो तफ्तीश है स्थितियाँ स्पष्ट हो पाई। फिलहाल कुछ नहीं है, मुकदमा दर्ज हुआ है, पोस्टमार्टम करवा कर डेड बॉडी है वो परिजनों को सुपुर्द की गई है, आगे अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। माने दो इजाजत, मिला थरसा के नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।